इन्होंने तो डिफाइन कर दिया कैसे प्रोड्यूसर है ये. आप बताइए कैसे प्रोड्यूसर है आपकी नजरों से. कैसे प्रोड्यूसर है? या माय गॉड, फेशियल एक्सप्रेशन सवाल पूछ लिया. कमाल के प्रोड्यूसर. ओके, यू वांट टू समराइज इट इन वन सेंटेंस? कमाल के. ओके, चलिए फिर थोड़ा सा एलैबोरेट करते हैं इसको. फिल्म मेकिंग के दौरान जब ये फिल्म बन रही थी, कौन सा सबसे अच्छा एक्सपीरियंस था आपका इनके साथ इंटरेक्शन का, और कौन सा सबसे खराब एक्सपीरियंस था? खराब तो बहुत. समथिंग व्हिच यू वुड लाइक टू शेयर ऑन कैमरा विद आवर व्यूअर्स. देखो जी, बेस्ट एक्सपीरियंस तो वो था कि जब इन्होंने पहली बार पिक्चर देखी, जब ये अपनी शूटिंग कर रहे थे कश्मीर में, वहाँ से आए, तो हम लोग तो पागलों की तरह उस मूवी को एक ऐसे मुकाम पे ला रहे थे कि जब ये आए तो इनको शर्म नहीं आए पिक्चर देख के. इनको आई वॉज पिक्चर अच्छी बनाना, लोगों को पिक्चर पसंद आए, सबका गोल होता है. मेरा पहला गोल था इनको खुश करना. तो जब इन्होंने देखी और इन्होंने पिक्चर देख के मुझे हग किया और कुछ अच्छी बातें कही, आई थिंक वो मेरा बेस्ट एक्सपीरियंस था. और बुरे एक्सपीरियंस तो इतने कि बताएंगे. ओके, व्हाट इज ही फिनिकी अबाउट जनरली इन द प्रोसेस? एवरीथिंग. एंड हाउ ही एड्रेसेस दोस थिंग्स? Badly, poorly, nicely, screamingly, I mean, name it. You will. गाली वाली देता ना बहुत अच्छा नहीं है. मेरी पढ़ाई बचपन में नहीं हुई अच्छी. अब मैं वैसे कह रही गाली वाली देता हूँ. ये तो पढ़े लिखे हैं अमेरिका में. Excuses नहीं चाहिए. हमको excuses नहीं चाहिए. इनका तो एसोसिएशन है अनिल कपूर के साथ, एक लंबा एसोसिएशन रहा है और माशाल्लाह बहुत कमाल की फिल्में भी दी हैं. जब आप उनसे मिली तो हिज एसोसिएशन आल्सो रब्ड ऑन टू यू, मतलब यू रियलाइज दैट वार्मथ इज देयर? मैं यू नो कमाल के एक्टर हैं अनिल कपूर जी, रियली कमाल के एक्टर हैं. मैं वही अभी कह रही थी, मैंने पहले भी अभी कहा है कि मैं फर्स्ट टाइम डायरेक्टर थी, राइट, और वो 40 साल से इस इंडस्ट्री में वेटरन है और उन्होंने कमाल के मतलब वो तो उसका कोई कंपैरिजन ही नहीं है, मतलब वो तो करना ही स्टूपिडिटी है. लेकिन उन्होंने मुझे एक दिन ऐसा फील नहीं करवाया कि यार मैं जानता हूँ एंड मे बी यू डोंट नो यू आर द पर्सन. नॉट वन टाइम ही वाज देयर फॉर दैट. नो नो, ही वाज नॉट देयर फॉर दैट. नो नो, आई एम सेइंग टू मेक यू फील रियलाइज दिस पर्टिकुलर थिंग, ही वाज देयर फॉर दैट. अनिल कपूर जी इतने महान एक्टर हैं, उन्होंने आपको रियलाइज नहीं किया कि वो महान है, लेकिन ये महान प्रोड्यूसर है, इन्होंने आपको रियलाइज कराया कि मैं महान. अरे आपने इतनी महान बात कर दी, मैं क्या बताऊं, समझ नहीं आ गई. नाउ यू आर फ्रेंड्स फॉर लाइफ. थोड़ा टाइम लगता है, समझ आती. यस, जमीन 180 डिग्रीज अपार्ट टोटली. तो ही इज एन अमेजिंग अमेजिंग एक्टर जिनकी कमिटमेंट इतनी स्ट्रांग है कि वो सिर्फ वही देखते हैं. और आई थिंक उनका और मेरा रिलेशनशिप हालांकि एक ही मूवी का है, बहुत अच्छा, बहुत ही प्यारा. आप क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में? भी तुझे एक लंबा एसोसिएशन रहा है, कितना इवॉल्वमेंट आपने देखा है उनको? अनिल राइट फ्रॉम परिंदा 1942 लव से उसके साथ बनाई तो मेरी तीसरी फिल्म, मुझे लगता है मैंने 6-7 फिल्में उसके साथ बना ली, क्योंकि वी आर कॉन्स्टेंटली इन टच एंड I really like the way he strives for everything. रात को फोन करके कहता है यार विनोद ये डायलॉग ऐसा है तो कैसा करना है. फिर यू नो इट्स वेरी फ्यू एक्टर्स आर दैट पैशनेट. राइट. सी अभी क्या हुआ है कि सिनेमा में ना एक्टर्स का भी सब धंधा हो गया है. ये पिक्चर चलती है तो कोई ब्रांड बेच देते हैं, चड्डी बनियान, जिससे पैसे मिलते हैं. उनका सिनेमा की तरफ ये है कि यार मेरी पिक्चर हिट हो जाए तो मैं 4 ब्रांड और साइन कर लूँ. तो उनका सिनेमा की तरफ जो कमिटमेंट है ना बहुत कम रह गया है. अनिल उनमें से है जिसकी कमिटमेंट है कि यार ये, और अमिताभ बच्चन दी अदर मैन अमिताभ, तो इन कुछ लोग हैं उनकी है ऐसे हैं, रणबीर है, बहुत लोग हैं ऐसा नहीं मैं कहता हूँ, लेकिन उनमें अनिल बहुत आगे है कि कमिटेड है कि यार मेरा रोल अच्छा हो. लगा रहता है यार मैं मुकेश का हूँ, मोगा का हूँ, बलबीर तो इस तरह बात करूँ कि इस तरह यार विनोद किस तरह गल करनी है तू दस ये इस तरह. यू नो दैट्स ग्रेट फॉर दैट, वेरी पैशनेट. आजकल फिल्म इंडस्ट्री में जैसे आपने कहा हर तरह के लोग हैं, देयर आर पीपल हु आर मेकिंग प्रोजेक्ट्स, देयर आर पीपल हु आर मेकिंग फिल्म्स. सो आपको क्या लगता है किस तरह से बैलेंस किया जा सकता है इसको? देखिए मैं तो नहीं कर सकता. आप तो नहीं किया नहीं है आपने, बट यू पता नहीं यार कैसे करते हैं. देखिए मैं तो बैलेंस कर ही नहीं सकता हूँ. मैं तो सिर्फ समझता हूँ कि जो चीज़ आई फील स्ट्रांगली मेरे से वही होती है.
आप मुझे कह दें कि ये प्रोजेक्ट है, इसमें आपके 500 करोड़ है, इसमें शाहरुख खान, आमिर खान और सलमान खान है, आप डायरेक्ट कर लो, और कहानी बेकार होगी तो मैं कर नहीं सकूँ, और कमाल की होगी तो मैं 100% करूँगा। तो मैं वो मैंने कभी ऐसा सोचा ही नहीं है। मुन्ना भाई MBBS संजय दत्त के साथ बनाई, परिणीता बनाई, ये तो मतलब बहुत कुछ किया जो मैंने बताया। कौन सा ऐसा एक्टर है जिसके काम ने आपको पर्टिकुलरली छुआ है? यू रियली लुक हाई अप, यू नो, ऑन दैट एक्टर, यू रियली एडमायर हिज वर्क और हर वर्क। सी, अब ऐसा है कि ये सब तो अभी इट्स टू अर्ली, आई हैवंट टॉक्ड अबाउट इट, बट एक फिल्म मैंने अभी डायरेक्ट की है पिछले एक साल से वेटिंग फॉर दैट। उसमें मैंने कुछ दो नए कलाकार ढूंढ के, 2-2.5 साल लगे उनको ढूंढ के, अभी मैं उनकी एडिटिंग कर रहा था सुबह, उनको देख के मैं बहुत बहुत ज्यादा, दैट्स समथिंग दे शुड फील वेरी प्राउड ऑफ। या बहुत प्रभावित हूं कि ये बच्चे कहां से आए, गांव से उठ के, कभी सिनेमा देखा नहीं, कभी कैमरा देखा नहीं, और क्या वो कर रहे हैं। तो मुझे तो लगता है कि मैं हमेशा ऐसे लोगों के साथ ही काम कर सकता हूं, क्योंकि कुछ भी कहिए, हमारे सबके ऊपर थोड़ी थोड़ी गर्द जो है कमर्शियल सिनेमा की, वो धूल की एक, वो हमको नजर नहीं आता पर वो धूल की एक लेयर जम जाती है। तो इनको जब मैं लेके आया हूँ तो इतने साफ सुथरे और उनकी है बिल्कुल जो परफॉर्मेंस, जो यू नो, सो आई एम एट दिस मोमेंट एक्चुअली इन ऑल विद दोस गाइस। शैली, ये फिल्म जो है, जाहिर सी बात है कि फिल्म के जिस दिन से ट्रेलर रिलीज हुआ उस दिन से पीपल आर टॉकिंग अबाउट इट। डिड यू एक्सपेक्ट कि कहीं ना कहीं फिल्म एक टॉकिंग पॉइंट तो बनेगी ही आफ्टर, ऑब्वियसली आफ्टर द रिलीज ऑफ द फिल्म, लेकिन पहले फिल्म के ट्रेलर रिलीज पे इतना ज़्यादा रिस्पॉन्स मिलेगा? किस तरह का था आपका माइंड सेट, एक्सपेक्ट कर रही थी आप ऐसा रिस्पॉन्स? ऐसा तो कुछ लेके नहीं चलता कि यू नो कब ये शुरू होगा, लेकिन शुरू होगा इस चीज़ की उम्मीद तो ज़रूर थी कि कभी ना कभी कहीं ना कहीं हम लोग इस चीज़ के बारे में, हमारे जो डिफरेंट जो मुद्दे हैं जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं कि वो एक सेंटर ऑफ कॉन्वर्सेशन बनेंगे, लेकिन कब बनेंगे ये कभी नहीं सोचा था। फिल्म के बाद बनेंगे ज़रूर सोचा। What best compliment you got after the trailer release which kind of touched you? Actually, best compliments जो मुझे मिले हैं, those are not words at all. People have just hugged. Right. And their hugs have told me what they have felt. कल इसकी पहली स्क्रीनिंग थी, पहली प्रिंटिंग थी, तो lot of people. I was not there. उसमें जो एक exchange होता है, वो verbally में कुछ नहीं। मुझे रात को 12 बजे लोगों के messages और phone आए. Okay. Very proud of her. They hugged her. So that was our first screening. Right. मनीषा कोइराला इनकी फिल्म में आने के पहले बहुत ही ग्लैमरस थी, उनकी एक दो फिल्म्स रिलीज हुई थी जिनमें वो, जब इन्होंने उसको लिया तो वो पहचान ही नहीं गई, लोगों को लगा कोई नई एक्ट्रेस लेके आ गया। सो इफ यू आर अ गुड आर्टिस्ट यू कैन चेंज दैट, जैसे प्राण साहब ने किया था, उपकार में आके कुछ और ही बन गए थे, उसके पहले हमेशा विलन ही थे। तो मुझे लगता है कि हमारी फिल्म में भी हमारे काफ़ी सारे जो किरदार हैं वो एक नया रूप लेके आए हैं एंड दे हैव डन इट वेरी वेल। वो आपको जब आप देखेंगे तो आपको दिखाई दे जाएगा। लास्टली जाते जाते, आपकी फिल्म से क्या एक्सपेक्टेशन है अदर देन द बिजनेस एंड ऑल एवरीथिंग? इस फिल्म से सी आई एक्सपेक्ट दैट इट विल टच पीपल्स लाइव्स। आई वांट ऑल फैमिलीज टू सी इट टुगेदर बिकॉज आई थिंक वो अंदर जब फैमिली एक जाएगी फिल्म देखने तो हर फैमिली में कुछ ना कुछ कशिश होती है, कुछ ना कुछ होता ही है, जो फैमिली मेंबर्स एक दूसरे से कहीं ना कहीं उलझे होते हैं। मैं समझता हूँ कि इस फिल्म को देखने के बाद उनकी उलझने जो हैं काफ़ी सुलझ जाएंगी, ऐसा मेरी ऐसी उम्मीद है। जैसे विदु सर ने कहा कि लोग जो है वो फिल्म को इंजॉय करेंगे और अपनी उलझनों को भूल के करेंगे, एंड इसी के साथ हम भी दुआ करते हैं कि फिल्म अच्छी हिट हो। थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस। थैंक यू, सच अ प्लेजर। थैंक यू।